Hey, hello, welcome to Chemistry Tool, कैसे हैं? So, देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक बेसिस के बारे में. नाउ इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम एसिड्स बेसिस की बेसिसिटी के बारे में बात करते हैं. और बेसिस की बेसिसिटी के बारे में बात करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है PKa. सी PKa बेसिकली हम यूज करते हैं एसिड्स के लिए, बट उसको बेसिस के लिए कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम KBKa से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है. और PKa ये कॉमन टर्म होगा जो एसिड्स के लिए भी यूज किया जाएगा, और PKa कॉमन टर्म होगा जो बेसिस के लिए भी यूज किया जाएगा. अब PKa अगर लो है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उससे हमें क्या समझ में आता है, एसिड्स के लिए हमें क्या समझ में आता है, बेसिस के लिए हमें क्या समझ में आता है. सिमिलरली अगर PKa हाई है तो यहाँ पर हमने ज्यादा एक चीज हम सबसे सिंपल सीख ली कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PKa और एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKa. ये टर्म आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए अभी हम कभी PKa की वैल्यू आपको दी हुई है, अगर वो बेसिस के लिए है तो बेसिसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. जिस बेस का PKa का वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा बेसिक होगा, जिसका PKa का वैल्यू कम वो कम बेसिक होगा. अगर एसिडिटी की बात की जाए, अगर PKa का वैल्यू दिया हुआ और एसिड्स के लिए दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अगर PKa का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब वो जो एसिड होगा वो वीक होगा. तो हम एसिडिटी और बेसिसिटी को PKa की वैल्यू से जज कर सकते हैं, वहां से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं. नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और बेसिस में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिफेटिक बेसिस के बारे में. सी आपको एक ऑनेस्टली एक चीज बताता हूं, जब भी आप कभी भी ऑर्गेनिक बेसिस के बारे में पढ़ते हो, ऑर्गेनिक बेस के बारे में पढ़ते हो, ज्यादातर जब भी हम ऑर्गेनिक बेस के बारे में पढ़ेंगे नाइट्रोजन हमारा जो होगा वो मेन एलिमेंट होगा. और नाइट्रोजन के ऊपर भी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा मेन कंसर्न होगा कि क्या वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सबसे पहले आप नाइट्रोजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझ लीजिएगा. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजन होता है, अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट नाइट्रोजन जो है वो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है कि जहां नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं वो अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस का काम करते हैं. वैसे अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस की बात करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि कोई भी चीज जो लोन पेयर को डोनेट कर सकती है, लोन पेयर को डोनेट करेगी वो बेस का काम करवाएगी, वो बेस का काम करेगी. और कोई भी चीज जो एच प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगी, जो एच प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगी वो आपका बेस का काम करेगी. बट नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर देखा जाता है जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो बेस का काम करते हैं. और नाइट्रोजन भी इसलिए बेस का काम करता है क्योंकि उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. आई होप आपको नाइट्रोजन के बारे में पता होगा कि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है, और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट होता है जो कि लोन पेयर का काम करता है. अब कोई नाइट्रोजन इस कंपाउंड कितना ज्यादा बेसिक है या कितना बेसिक नहीं है वो डिपेंड करता है कि जो आपके पास ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितने इजीली किसी के साथ शेयर कर सकता है. जितने इजीली वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ शेयर करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको एच प्लस मान के चलते हैं. कि अगर मेरे पास एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे 3 अलग अलग ग्रुप लगे हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन लगे हो, तो सबसे बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड जिसको हम कहते हैं अमोनिया बन जाता है. अब हो सकता है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप लगाओ, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, तो हम यहाँ पे RR लिख के भी छोड़ सकते हैं, RR-R" या कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो. तो मोस्टली हम देखते हैं कि कितने आसानी से मेरा एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो होता है वो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है. जितने आसानी से वो इस H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा और मुझे जो कंपाउंड फॉर्मेशन करके देगा वो मेरा हो जाएगा नाइट्रोजन विद अ डेटिव बॉन्ड. यहाँ एक डेटिव बॉन्ड बनता है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड देन व्हाट यू हैव इज दिस R-R-R". ये देखो, ये R की जगह जरूरी नहीं हमेशा R होगा, अल्काइल ग्रुप हो सकता है या कोई हाइड्रोजन बेसिक में अगर कहूँ हाइड्रोजन हो सकता है, अराइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड ये बन सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है. तो ये जो मेरे पास कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे हम इसको कहेंगे ये कटाइन बन जाता है अगर वो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है. यहाँ पर H+ आयन के साथ वो बॉन्ड बनाता है, हमारे यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल. देखिए अगर एलिफेटिक बेसिस होगा, एलिफेटिक का मतलब जहाँ पे कोई भी बेंजीन रिंग या कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं है, नॉर्मल अल्केन अल्कीन अल्काइन ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, तो बेसिसिटी डिपेंड करेगी कि आपका नाइट्रोजन कितने आसानी से इसको H+ आयन प्रोड्यूस करेगा. और बेसिसिटी अब इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि आपके पास यहाँ जो लोग लगे हुए हैं, ये जो लोग लगे हुए हैं ये कैसे प्रेजेंट. देखो इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ, क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा हो सकता है आपका जो नाइट्रोजन लगा हो वो किसी अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो, इस तरीके से R ग्रुप के साथ लगा हो. उस केस में आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेट करने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इन अल्काइल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट पे. वो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं या वो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन मेसोमेरिज्म तो पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे आपका जो ग्रुप अटैच्ड है वो कितना प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है उस पर डिपेंड करेगा. हो सकता है आपका जो नाइट्रोजनस कंपाउंड हो, नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो,
कार्बन अमाइड और इमाइड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमाइड और इमाइड जो होता है उसमें नाइट्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इस पर्टिकुलर केस में आपका कितने आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा सकता है, यहाँ पर अब दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर एक हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कहते हैं रेजोनेंस, यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ दे दे तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, मतलब कार्बोनिल ग्रुप और नाइट्रोजन जो होता है वो रेजोनेंस में जा सकता है। यहां पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा मैं कहूंगा आपका मेसोमेरिज्म या उसको रेजोनेंस कहूं मैं, प्लस एम इफेक्ट मैं कहूंगा कि वो इन्वॉल्व होता है, जिसको हम प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट मैं लिख सकता हूं, वो इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे मेसोमेरिज्म इन्वॉल्व होता है। हो सकता है कि आपका जो नाइट्रोजन हो वो दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है, इट कैन बी अटैच विद टू कार्बोनिल ग्रुप। अब सोचो यहाँ पे अगर दो दो कार्बोनिल ग्रुप अटैच है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों जगह पे आपका रेजोनेंस दिखा सकता है। हो सकता है आपका नाइट्रोजन जो हो वो एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो इस तरीके से, अगर वो बेंजीन रिंग के साथ आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का तो वो भी यहाँ पर मेसोमेरिज्म में इन्वॉल्व हो सकता है। देखो कहीं पर भी अगर नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर चला जाता है, नाइट्रोजन से निकल के किसी रिंग में चला जाता है या कहीं फंक्शनल ग्रुप के पास चला जाता है तो उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। यहां पर आपका अल्काइल ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन पीछे खींचा जाता है तो उसकी बेसिसिटी कम होगी। या अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब ये जो ग्रुप हमने लगाया हुआ है ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेसिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी। सिमिलरली कार्बोनिल ग्रुप जो है, कार्बोनिल ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करने का काम करता है क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पर वो रेजोनेंस दिखा सकता है। एक तरीके से आप यूं भी समझ सकते हो कि आपका नाइट्रोजन जो है वो कार्बोनिल में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ अटैच है, जो कि काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन है वो दो दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है, कैन यू सी दिस, ये दो दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर वो कहीं अटैच हो जाता है, मैं सारे एग्जांपल्स लेके आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। और अगर आपका आपका जो नाइट्रोजन है वो एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, एक नॉर्मल बेंजीन रिंग है, जैसे हो सकता है आपका जो नाइट्रोजन अटैच हो वो एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो और उस बेंजीन रिंग में हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो सकता है। हो सकता है आपका नाइट्रोजन जहां पर अटैच हो वहां एक बेंजीन रिंग हो और उस बेंजीन रिंग के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो सकता है। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं और अब हमें यही समझने की कोशिश करनी है कि बेसिसिटी ऑफ ए नाइट्रोजन, मैं नाइट्रोजन की बेसिसिटी की बात कर रहा हूँ, बेसिकली ऊपर मॉलिक्यूल की होनी चाहिए, वो कैसे वेरी करेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिफेटिक में। सी देखिए, मान लीजिए अगर मेरे पास ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, जहां पे मेरे पास नाइट्रोजन है, आई होप आपको बेसिक कंपाउंड जो हमारे पास होता है वो अमोनिया होता है, NH3, ये अमोनिया से डिराइव किए हुए अलग अलग मॉलिक्यूल है। अब अमोनिया में भी जो नाइट्रोजन होता है वो तीन बॉन्ड बनाता है तीन हाइड्रोजन के साथ, पहला दूसरा और तीसरा। अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन को हटा के वहां CH3 ग्रुप को लाके अटैच कर दिया जाता, फिर दो हाइड्रोजन को हटा के वहां पे दो CH2 ग्रुप को, जिनको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, इन ग्रुप को लाके अटैच कर दिया जाता, और फिर फाइनली तीनों हाइड्रोजन को हटा के वहां पर तीन मिथाइल ग्रुप लाके अटैच कर दिया जाता। देखो अब नॉर्मल स्टूडेंट मुझसे क्या कहेगा, सर जो मिथाइल ग्रुप है वो आपका प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो इस तरफ प्रोड्यूस होगी, मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। तो नॉर्मल स्टूडेंट जो मुझसे कहेगा कि देखो सर अगर जैसे जैसे आप मिथाइल ग्रुप को अटैच करते हो, मिथाइल ग्रुप को अटैच करते हो, बेसिसिटी वैसे वैसे बढ़नी चाहिए, आपका ये वाला कंपाउंड जिसमें तीन तीन मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं ये सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए और ये सबसे कम बेसिक होना चाहिए, लेकिन उल्टा पाया गया है। पाया ये गया है, अगर आप देखोगे ये सबसे ज्यादा बेसिक है, देखो 10.64, उससे थोड़ा ज्यादा बेसिक ये वाला कंपाउंड है और फिर बेसिसिटी सडनली डिक्रीज हो जाती है। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था pKa का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखना बेसिसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। अगर pKa का वैल्यू ज्यादा है मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है, pKa का वैल्यू कम है मतलब वो वीक बेस है। अब आप सोचो ये कैसे पॉसिबल हो गया, यहाँ तो तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए, देखो इंडक्टिव इफेक्ट कितना आया होगा, यहाँ पे तीन तीन लोग इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे होंगे पर फिर भी वो सबसे इन दोनों से भी वीक हो गया है, सडनली pKa का वैल्यू इंक्रीज हुआ, pKa का वैल्यू सडनली डिक्रीज हो गया। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो बेसिसिटी जब आप नाइट्रोजनस कंपाउंड की मेजर करते हो तो हमारे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक तो होता है ऑब्वियसली कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एक सेकंड फैक्टर होता है, एक तो आप यूं कह सकते हो कि आपका आपका सब्सिट्यूएंट कौन सा है और दूसरा होता है कि आपका सॉल्वेंट कौन सा है। अब देखो सब्सिट्यूएंट तो हमने ऑलरेडी देख लिया, या तो सब्सिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, या तो सब्सिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, या तो सब्सिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब इसमें याद रखना हमेशा
अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बेसिसिटी बढ़ेगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली बेसिसिटी डिक्रीज होगी। अब सॉल्वेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देखो भाई जब भी आप कहीं भी स्ट्रेंथ की बात करते हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज हम भूल जाते हैं, हमें हमेशा कंपैरिजन किस चीज का करना चाहिए। ये हमारा एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन है, ये मेरा एक बेस है, ये मेरा एसिड है, ये मुझे क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। याद करो जब हम एसिड्स के बारे में भी बात करते थे हम स्टेबिलिटी ऑफ अनायन देखते थे, यहां पर भी जब हम बात करेंगे तो हम स्टेबिलिटी देखेंगे। देखो एच प्लस आयन को एक्सेप्ट करने से पहले जो मेरे पास एक बेस है और एच प्लस आयन को एक्सेप्ट करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड बना है, दोनों में से स्टेबल कौन है? अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो वो एच प्लस आयन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये H+ आयन को एक्सेप्ट करके आगे चला जाएगा। अगर आपका कटायन, जो आपका कटायन बना है, अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि ये H+ आयन को एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। और अगर आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर ज्यादा स्टेबल होता है तो वो कभी H+ आयन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब जब हम स्टेबिलिटी, जब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आसानी से दिया जाता है, बल्कि हमें ये भी देखना होता है कि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनने वाला है उन दोनों की स्टेबिलिटी क्या है। सी अल्काइल ग्रुप्स की जब आप बात करते हो, अल्काइल ग्रुप या मैं कहूँ एलिफेटिक बेसिस की बात करते हो, एलिफेटिक बेसिस में रेजोनेंस तो होता नहीं है। अब रेजोनेंस नहीं होगा तो स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन से तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते। एक फैक्टर आता इंडक्टिव इफेक्ट, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट, अगर आपका जो सब्सिट्यूएंट है अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है तो बेसिसिटी बढ़नी चाहिए, अगर प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है तो। बट यहाँ पर तो हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाने से हमको जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें तो डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, एलिफेटिक बेसिस की बात कर रहा हूं मैं, एरोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं अभी तक, तो इसका मतलब सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से आप बेसिसिटी को एक्सप्लेन यहां नहीं कर सकते। तो सिर्फ, और याद करो हम जब पढ़ते हैं तब हमने एक चीज पढ़ी है, सबसे पावरफुल जो हमारे पास होता है वो होता है एरोमेटिसिटी। हम सबसे पहले अगर हम किसी की स्टेबिलिटी देखते हैं तो एरोमेटिसिटी से देखते हैं, फिर हम वहां पे लगाते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या हम वहां पे लगाते हैं रेजोनेंस, फिर हम लगाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में हम लगाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब किसी भी कटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या अनायन की स्टेबिलिटी को अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो तो वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहां पर आप इसकी बेसिसिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि भाई अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट काफी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, बट वो सबसे लीस्ट पावरफुल इफेक्ट होता है। तो यहां पर सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप यहाँ एलिफेटिक इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉल्वेंट भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सबसे पहला सॉल्वेंट जिसको हम एक्वियस सॉल्वेंट कहते हैं, हमारे पास एक्वियस सॉल्वेंट हो जाता है जिसको हम कहते हैं वाटर बेस्ड सॉल्वेंट, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन एक्वियस सॉल्वेंट। अब आप कहोगे एक्वियस नॉन एक्वियस का क्या यहाँ पे फंडा है? देखो हमें पता है एलिफेटिक में हम रेजोनेंस तो लगा नहीं सकते, अगर रेजोनेंस वगैरह लगा पाते तो फिर हमें सॉल्वेंट की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं होती, हम स्टेबिलिटी को रेजोनेंस मेसोमेरिज्म या हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते थे। यहां पर हमें सॉल्वेंट की तरफ इसलिए देखना पड़ रहा है, अगर ये CH3NH2 है, कल को ये नाइट्रोजन अगर एक H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन और CH3 के साथ H+, ये इसी का आप समझ सकते हो मैंने रिएक्शन लिख दिया यहाँ पे H+ को एक्सेप्ट करने के बाद। अगर ये कल को दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और अगर ये एक हाइड्रोजन अगर एक और H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये इसका रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, इनको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ क्योंकि आपको बाद में मैं नोट्स के लिए दूंगा, ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फिर अगर आप यहाँ देखो तीन तीन CH3 ग्रुप है, अगर वो कल को H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है तो इस तरीके से बन जाएगा। सी एक फिनोमिनॉन होता है जिसको कहा जाता है सॉल्वेशन, या हम जिसको कहते हैं हाइड्रेशन, या जिसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एक्वियस मीडियम। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जब भी कोई कटायन बनता है अगर वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, जैसे यहां पर है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, आई होप आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता होगा। अगर आपका हाइड्रोजन किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है और सामने मान लीजिए इस तरीके से आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस तरीके से है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है इस तरीके का जो कि एक प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है, एक प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है और वेंडरवाल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड पे मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, आप जाके बाद में देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सोचिए यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और अगर यहाँ पे मैं वाटर मॉलिक्यूल को इमेजिन करता, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डोंट यू फील ये पार्शियल नेगेटिव
इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता इस तरीके से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता, तो मतलब क्या हो गया, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा, लेकिन कटायन अगर उसका बन जाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। अब सोचिए यहाँ पर ना तीन तीन हाइड्रोजन हैं, अगर आप देखो तो यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन हैं, डोंट यू फील यहाँ पर हाइड्रेशन जो होगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनेगी या सॉल्वेशन जो होगा वो काफी अच्छा होगा। यहाँ अगर आप देखो दो बल्कि ग्रुप आ गए हैं, CH3 अपने आप में एक बल्कि ग्रुप होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री उसकी होती है, मेरे पास सिर्फ दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं जिसके साथ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट बना सकता है। यहाँ पे तीसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन तीन बल्कि ग्रुप हैं और यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ एक है। अगर मैं यहाँ नॉर्मली आपसे बात करूं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन को भी छोड़ दो, अगर आप ऐसे भी देखो कि यहाँ पर वाटर का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा हो सकता है, अगर मैं कल को यहाँ वाटर लेके आता हूँ, वाटर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर सकता है मेरे इस मॉलिक्यूल को, सॉल्वेशन करा सकता है। लेकिन अगर यहाँ देखूं तो उतना वाटर मॉलिक्यूल इसको हाइड्रेशन या सॉल्वेशन नहीं करा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप आने से स्टेरिक हिंडरेंस आ जाती है। स्टेरिक हिंडरेंस मतलब होता है थ्री डायमेंशन में आने वाली रुकावट। अगर यहाँ देखो तीन तीन बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं बॉस, अगर तीन तीन बल्कि ग्रुप लगे होंगे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल उतने बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से उसको सराउंड नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा सराउंड कर रहा है, यहाँ अगर आप जाते हो पहली बात तो वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ बढ़ने की वजह से मैं कह सकता हूँ, देखो सर यहाँ पे दो दो फैक्टर ध्यान से देंगे, यहाँ एक ही इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा था, यहाँ दो दो इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। अब सिंस इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा तो बेसिसिटी बढ़नी चाहिए, हाँ देखो दिखती है 10.64 से 10.77 हो जाती है, ये वो अलग बात है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेशन थोड़ा कम हो जाता है, बट इतना भी इफेक्टिवली कम नहीं होता है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट अभी भी डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है। पर ये तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगने से इस कटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है पानी में, क्योंकि अब उसको पानी आके सराउंड नहीं करेगा। और हमारे यहाँ पे मैंने क्या कहा, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जब आप एलिफेटिक की बात करते हो, एलिफेटिक की एक तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे कौन प्ले करता है, दूसरा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे सॉल्वेंट प्ले करता है। तो भाई अगर सॉल्वेंट आपका आपके कटायन के साथ बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा है तो वो जो कटायन बना है वो अनस्टेबल होगा, ये हाइड्रोजन फिर से उसको छोड़ के चला जाएगा, फिर से वो रिवर्स कंडीशन में चला जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अब मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता हूं, देखो यहां से यहां जाने पे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा है, वो अलग बात है कि सॉल्वेशन थोड़ा कम हुआ है बट इंडक्टिव इफेक्ट अभी भी काफी डोमिनेंट है। पर जब यहां से यहां जाते हो आप तो आपको ऐसा लग रहा है कि देखो कितना सारा इंडक्टिव इफेक्ट हो गया है, लेकिन उस एक्स्ट्रा एक मिथाइल ग्रुप की वजह से आपके नाइट्रोजन का जब वो H+ ion एक्सेप्ट कर लेगा, कटायन बना लेगा, उसके बाद हाइड्रेशन नहीं होगा। तो इसको मैंने सम अप कर दिया, नीचे मैंने वर्ड्स लिख दिया, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया कि कैसे हम एलिफेटिक बेसिस की, और ये हम एक्वियस मीडियम में बात कर रहे हैं। अब इस इन बेसिस की बेसिसिटी एयर में भी निकाली जा सकती है, वैक्यूम में भी, हम वैक्यूम की बात, अगर वैक्यूम होता तो फिर ये हाइड्रेशन वाला फंडा ही नहीं होता उस पर्टिकुलर केस में, वैक्यूम में आप ऐसे कह सकते थे जी वैक्यूम में तो हाइड्रेशन होता ही नहीं है, अगर वैक्यूम में हाइड्रेशन होता नहीं है तो फिर ये कौन हाइड्रेट करेगा नहीं करेगा, ये तो फंडा ही नहीं आता। अगर ये फंडा ही नहीं आता तब आप कहते थे देखो टर्जरी जो अमोनिया का कंपाउंड है जिसमें तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं वो ज्यादा स्ट्रांग बेस होगा, क्योंकि वहां वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फिर ये होगा और लास्ट में हमारे पास ये होगा। लेकिन जब एक्वियस मीडियम की बात आती है तो हाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कटायन बन रहा है क्या वो हाइड्रेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आप एलिफेटिक की बात कर रहे हो, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ सॉल्वेंट भी इन्वॉल्व होता है। ये सॉल्वेंट यहीं क्यों आया, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, और जो मैंने आपसे कहा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो एक्स होना चाहिए या तो वो ऑक्सीजन होना चाहिए या तो वो नाइट्रोजन होना चाहिए या तो वो फ्लोरीन होना चाहिए, ये तीन अगर हाइड्रोजन के साथ लगे हुए एलिमेंट हैं तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही होगी। अब सोचो यहां पर आप एक तरफ आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, ऊपर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल में, तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन यहाँ पे बन गया है, इसीलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया, तो क्लियर है। सो देखो यहां से जब आप यहां जाते हो, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कटायन ड्यू टू सॉल्वेशन, कटायन स्टेबिलाईजेशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्वेशन इज मेजर फैक्टर, तो ये कटायन का स्टेबलाइजेशन यहाँ पे एक मेजर फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी किसकी कम, नो डाउट इंडक्टिव इफेक्ट भी है। आई होप आई एम डन विद दिस स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक बेसिस। ना एलिफेटिक बेसिस में ये तो हमने हो गया नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया अल्काइल ग्रुप, अगर उस अल्काइल ग्रुप में, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात सर, अगर एक्वियस मीडियम ना हो, अगर नॉन एक्वियस मीडियम हो भाई, तो नॉन एक्वियस मीडियम और वैक्यूम में वही होगा
टर्शियरी विल बी ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन प्राइमरी सब्सटेंस। मतलब अगर आपका क्लोरोबेंजीन, कल को मैं एक क्लोरोबेंजीन सॉल्वेंट ले लेता हूं जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, वहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, तो फिर सीधी सीधी सी बात है तब इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट फैक्टर होगा, और यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट इस तीन सब्सटिट्यूएंट का सबसे ज्यादा है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन इन क्लोरोबेंजीन देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व विद कटायन, हेंस विद इंक्रीजिंग अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है, द बेसिसिटी आल्सो इंक्रीज। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो सब्सटिट्यूएंट लगाए हुए हैं, अब अगर हम इनको एक्वियस, ज्यादातर जब भी हम बात करेंगे हम एक्वियस मीडियम की ही बात करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल केमिस्ट्री होती है वो वैक्यूम में तो होती नहीं है, और नॉन एक्वियस सॉल्वेंट हम जल्दी यूज करते नहीं है, ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, एक्वियस मीडियम यूज करते हैं। अब सोचो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब आपने उसमें मिथाइल ग्रुप की जगह CH3 की जगह CF3 लगा दिया है, CH3 की जगह, अगर CH3 होता तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता, लेकिन अगर CF3 हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। डू यू फील कि अब उसकी बेसिसिटी बची रहेगी? नहीं, अब यहाँ बेसिसिटी कम हो जाती है, और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर नाइट्रोजन के साथ CF3 तीन ग्रुप लगा दिया जाता है तो वो नॉर्मली देखा गया नॉन बेसिक हो जाता है, वो अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कंडीशन में ही नहीं होता, तीन तीन लोग उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो अमाइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड NH2, अब देखो मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि आपका अगर नाइट्रोजन अमाइड ग्रुप के साथ लगा होता है, सी अमाइड ग्रुप में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें जो कार्बन है, ये कार्बन जब भी कहीं डबल बॉन्ड बना रहा होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पैटर्न मैंने पहले भी कभी समझाया हुआ, कार्बन अगर sp3 हाइब्रिड है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन अगर sp2 हाइब्रिड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और कार्बन अगर sp3 हाइब्रिड है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं, यहाँ पे याद रख लेना कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा कहीं के किसी के साथ, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, और यहाँ पे कार्बन जो होता है वो चार सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब sp2 है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहली बात तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब एक तरीके से कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है एक तरीके से आप कह सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हो सकता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, एक तरीके से रेजोनेंस कह सकते हो, मिज़ोमेरिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चला गया है तो वो देने के लिए कम अवेलेबल होगा। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अमाइड, और दूसरा मैं एग्जांपल ले सकता हूं इमाइड, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन लोन पेयर, यहां भी कार्बोनिल ग्रुप है और यहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है, सोचो अब दो दो कार्बोनिल ग्रुप अटैच हैं, तो अगर सिंगल कार्बोनिल है तो बेसिसिटी कम हो जाती है, इतनी भी कम नहीं होती, इसीलिए हम उनको कहते हैं दे आर वीकली बेसिक, वो बेसिक होते हैं पर बहुत कम बेसिक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व हो गया सिस्टम में, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया वहां पे कार्बोनिल ग्रुप का। लेकिन अगर दो दो कार्बोनिल ग्रुप अटैच है इमाइड, दे आर नॉट बेसिक, ये कभी कभी एकदम एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं, उल्टा हो जाता है, क्योंकि सोचो यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन जो लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, एक तरीके से समझ सकते हो नाइट्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन है यहाँ पे, आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सोचो ये दो कार्बोनिल ग्रुप नाइट्रोजन पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का, तो अगर वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को वहां से इजीली रिमूव कर देगा, अगर वो हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर देगा मतलब वो क्या कर रहा है, वो एसिड बिहेवियर दिखा रहा है। सी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है, इस तरीके से नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, अरे लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव हो रही है तो नाइट्रोजन क्या कोशिश करेगा, नाइट्रोजन ये कोशिश करेगा कि किसी तरीके से मैं अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिगेन कर सकूं, तो अगर ये यहाँ पे मूव हो रहा है, अगर ये यहाँ कार्बोनिल ग्रुप, तो वो इस हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकाल देता है ताकि तुम मेरे से नाइट्रोजन पर खींचोगे, मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा, एसिडिक बिहेवियर दिखाता। अब ये एसिडिक बिहेवियर को ऑब्जर्व कैसे किया जा सकता है, देखो थैलीमाइड में, अगर आप देखो थैलीमाइड में, ये आपका थैलीमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, देखो नाइट्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन दो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए, एक यहाँ पे लगा हुआ है, अभी देखो दोनों एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पे इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचा जाएगा, देखो ये जब भी मैं एरो मार्क कर दिखाता हूं मतलब इलेक्ट्रॉन उस तरफ खींचे गए हैं, अब वो लोन पेयर हो या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको डाइपोल मोमेंट के लिए यूज किया जाता है, बट मैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाता हूं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां खींचे गए और अगर सामने OH- आ जाता
एक बेसिक कंडीशन में आ जाती तो ये H प्लस आयन इजिली यहाँ से रिमूव होकर वहां पे चला जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल को आपसे कहूं कि मैं NaOH लेके आ गया हूं, बेस देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बेस है और ये बेस है, बेस और बेस कभी रिएक्ट नहीं करते, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, है ना, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे NaOH में लेके आया हूं, अल्कली हाइड्रोक्साइड लेके आया हूं मैं, और यहाँ पे NH ग्रुप है जो कि दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस है, वो अपना H प्लस आयन को रिमूव करके इस OH को दे देगा और इस सोडियम को उसकी जगह पे ले लेगा। मतलब ये कौन सा, ये नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन हो गया, जिसमें थैलीमाइड किसका काम कर रहा है, थैलीमाइड काम कर रहा है एसिड का और ये किसका काम कर रहा है, बेस का। देखो दो कार्बोनिल ग्रुप लगाने से उस नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी ही बदल गई, अब वो एसिड का काम कर रहा है, वो H प्लस को लेने की जगह H प्लस को डोनेट कर रहा है, वो अपने H प्लस आयन को OH माइनस आयन को दे देगा और सोडियम यहाँ जाके इसको रिप्लेस कर लेगा। जैसे फिनॉक्साइड में होता है, आपने फिनॉल में देखा होगा, फिनॉल में अगर मेरे पास इस तरीके से ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है O बॉन्ड H और सामने अगर मैं NaOH ला के खड़ा कर देता हूँ तो ये H प्लस आयन यहाँ से निकल जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव आयन छोड़ जाता है, इसको अनायन बना देता है, सोडियम Na प्लस वहां जाके खड़ा हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है और ये OH आयन के साथ H प्लस आयन आ जाता है। तो ये नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन हो गया, सेम एसिड बेस रिएक्शन आपको यहाँ दिख रहा है। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हुए भी वो एक एसिड का काम करता है, हाईली एसिडिक एंड फॉर्म्स अल्केली मेटल सॉल्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया, इसके साथ कौन आके खड़ा हो जाएगा, Na+। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। तो इफ टू कार्बोनिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट द रिजल्टेंट इमाइड फार फ्रॉम बीइंग बेसिक आर ऑफन सफिशिएंटली एसिडिक टू फॉर्म अल्केली मेटल सॉल्ट। तो यहां तक बात होगी, अगर हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाया तो क्या होगा, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट लिया तो क्या होगा। अब तक हमने डिस्कशन किया सारा एलिफेटिक बेसिस के बारे में, स्पेशली नाइट्रोजन बेस्ड बेसिस के बारे में जहां नाइट्रोजन मेन होता है। अब हम बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में, एंड दैट इज ग्विनीडाइन। नाउ बेसिकली क्या होता है कि आपकी स्टेबिलिटी, मैंने जैसे आपसे कहा कि आपका स्टेबिलिटी डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिज्म और रेजोनेंस पे। भाई ऐसा नहीं होता है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म नहीं होता है, रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही देखा जाता है, ऐसा नहीं है। इसका बेहतरीन एग्जांपल या रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म को हम सिंपल भाषा में कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हम वो भी कहते हैं। तो अगर आप यहां देखोगे तो ग्विनीडाइन में, अगर आप देखो ये मेरा नॉर्मल मॉलिक्यूल है जहां पे एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है और बाकी के जो दो नाइट्रोजन होते हैं वो कार्बन के साथ न्यूट्रल मतलब नॉर्मल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। दो हाइड्रोजन, सबकी तीन वैलेंसी नाइट्रोजन की पूरी है, सारे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या पॉसिबल है, हो सकता है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां डाल दे तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां ये वापस ले ले, पाई बॉन्ड जो बना हुआ है इससे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो यहां पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हो सकता था कि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डाल दे और ये वापस ले ले अपने पास, मतलब दो पॉसिबिलिटी थी, या तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ सकता था या तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ सकता था, पॉजिटिव यहां या तो पॉजिटिव यहां, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे मेरे पास ग्विनीडाइन के। अब यहां देखने वाली बात क्या है कि जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दूसरे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे पोलैरिटी डेवलप हुई है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल डेवलप हुआ है और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल डेवलप हुआ है ड्यू टू रेजोनेंस। मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं थी, यहां पोलर पोल्स डेवलप हुए हैं ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा मान लीजिए अगर कल को ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, अगर ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है तो इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। मान लेते हैं इस वाले नाइट्रोजन पे H प्लस आयन आके अटैक कर देता है तो वो हो जाएगा NH2 प्लस, वो ऑलरेडी NH था, एक H आया NH2, वो न्यूट्रल था, उस पर H प्लस आके अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा हो सकता था यहाँ पर इस तरीके का ये मॉलिक्यूल बना ले, ये जो है आपका NH2 प्लस, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव था, इस नेगेटिव पे अगर मान लीजिए कोई H प्लस आयन आके अटैक कर ले एक्स्ट्रा, तो देखो पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, NH2 बन जाएगा। डिफरेंस याद रखना, ये पॉजिटिव वहीं के वहीं रहेगा, ये रेजोनेंस से आया हुआ पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। हो सकता था कि यहाँ पर आके कोई H प्लस आयन अटैक कर दे, अगर जैसे ही H प्लस आयन यहाँ अटैक करेगा ये पॉजिटिव वैसे का वैसा रहेगा बिकॉज ये रेजोनेंस से आया हुआ था और यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेगा। सी अब अगर आप एक चीज को देखो, यहाँ ये न्यूट्रल था, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, H प्लस ने इस पे अटैक किया, जैसे H प्लस ने इस पे अटैक किया ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब यहाँ इसका जो कटायन बना है इसको हम कटायन कहते हैं, है ना, ये अगर बेस है तो ये एसिड है, इसका जो कटायन फॉर्मेशन हुआ है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था जहां पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया था और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था,
इस पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, याद ध्यान से सुनना, पॉजिटिव नेगेटिव बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। लेकिन जब अगर यहाँ H+ आयन आके अटैक करेगा, ये नेगेटिव गायब हो जाता है क्योंकि H+ आ गया है, तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल ऐसा नहीं लग रहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। अगर देखो यहाँ, अगर ये यहाँ आ जाता और ये अगर वापस ले लेता तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखते हो ना, देखोगे अगर H+ आयन ने यहाँ आके अटैक किया है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये न्यूट्रल ग्रुप हो गया, पर ये पॉजिटिव चार्ज अभी भी है। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था? क्योंकि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट अगर हो जाए, अगर ये लोन पर यहाँ आने की जगह अगर ये लोन पर यहाँ आ जाता और ये वापस चला जाता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मतलब कहने का ये है, कहने का सिंपल मतलब ये है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ ग्वेनेडाइन भी रेजोनेंस दिखाता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ ग्वेनेडाइन भी रेजोनेंस दिखाता है, और उसका अगर एच प्लस आयन उस पर अटैक कर देता है, एच प्लस आयन बनने के बाद, यानी इसका जो कटायन है, इसको मैं कह सकता हूँ दीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये मेरे पास क्या है, कटायन है H+ लेने के बाद, ठीक है, इस तरीके से। मुझे बताना न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हैं या ये वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस तो ये भी दिखा रहे हैं, रेजोनेंस तो ये भी दिखा रहे हैं, ये भी देखो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ देखने वाली बात क्या होती है, यहाँ ऑब्जर्विंग पॉइंट ये है कि यहां जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनमें चार्ज सेपरेशन हुआ है, इनमें चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन हुआ है। जब भी कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते समय रेजोनेंस की वजह से चार्ज सेपरेशन होता है तो वो लेस स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप कार्बोकैटायन को देखो, कार्बोकैटायन में कहीं पर भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, उल्टा चार्ज सेपरेशन न्यूट्रलाइज हो गया है कार्बोकैटायन में बनने के समय। यहां पॉजिटिव चार्ज था, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये तीनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है, इन दोनों को आप एक तरीके से इक्विवेलेंट मान सकते हो, एक तरीके से कि देखो पॉजिटिव यहाँ और ये यहाँ पर, ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस केस में, ग्वेनेडाइन के केस में आपका कटायन इतना स्टेबल हो जाता है, इतना स्टेबल हो जाता है, देखो यहाँ पर आप रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर सकते। अब तक हम एलिफेटिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म नहीं लगा रहे थे, हम वहां पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे थे, अब हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ हम इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी। अब मुझे बताइए ये बेसिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सर ऑब्वियस ही बात है, ये अगर आप देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, पर अगर वो कटायन बना लेता है तो कटायन बनने के बाद वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये ऑब्जर्व किया गया है कि ग्वेनेडाइन आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, आर स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और वो H+ को एक्सेप्ट करें ताकि वो कटायन बने, और कटायन बने तो इक्विवेलेंट एनर्जी के, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा, थ्री एग्जैक्ट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ इस वर्ड को, थ्री इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और जब भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनता है वो काफी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स को आपने कार्बोनिल ग्रुप में भी देखा होगा, अगर आप एसिड्स के बारे में पढ़ोगे, इफ यू स्टडी अबाउट एसिड्स, आप वहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ दिखाता हूँ कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार सी डबल बॉन्ड, ओ बॉन्ड, ओ माइनस, और यहाँ पे आर ग्रुप लगा हो, तो ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे, ये यहाँ चला जाए तो ये वापस ले लेगा, तो मेरे पास आर सी ओ नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है। अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं, क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, अब नेगेटिव यहाँ पर है, तो कोई रेजोनेंस की वजह से चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ है, बल्कि जो दो स्ट्रक्चर बने वो एक जैसे दिख रहे हैं। अब सिंस वो एक जैसे दिख रहे हैं वो ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। तो आई होप आपको एलिफेटिक बेसिस के बारे में जितनी भी चीजें मैंने यहाँ बताई हैं, ये थ्योरी लेक्चर है, आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा एलिफेटिक और कार्बोनिल ग्रुप से रिलेटेड, और ये इसको आप एक तरीके से अमाइड कह सकते हो, और एक आप इसको एक तरीके से इमाइड कह सकते हो, हमने ये क्लियर किया। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर अगर नाइट्रोजन ग्रुप एक बेंजीन रिंग के साथ इन्वॉल्व है या लगा हुआ है, उस पर्टिकुलर केस में जब वो एरोमेटिक हो जाता है तो स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक बेसिस क्या होगी, एक NH3 के साथ कंपेयर करूंगा, इसको हम एनिलीन कहते हैं, एनिलीन के साथ, फिर अगर आपका NH2 में जो बेंजीन ग्रुप है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, उस पर्टिकुलर केसेस में आपकी बेसिसिटी क्या होती है, तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां पे हम एरोमेटिक बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहां पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगले वीडियो में आने से पहले आपको ये सिर्फ पढ़ना है मेरे लिए, अगर बेंजीन रिंग के साथ यहां पे कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो उस बेंजीन रिंग पे क्या इफेक्ट होता है,
और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहीं लगता है तो उससे बेंजीन रिंग पे क्या इफेक्ट होता है ये जरा पढ़ के आना। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप आने वाले टाइम में इस चीज को नहीं समझ पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।